हेलो फ्रेंड्स, नल्ली टंडन रेसिपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्लिक करिए सब्सक्राइब बटन को ताकि मेरी कोई भी रेसिपी आप लोग मिस ना करें। यहाँ पर हमने एक कॉर्न ले लिया है, बड़ा है, बड़े साइज का है। अब हम इसको बॉईल कर लेंगे। बॉईल करके हमने इस तरीके से दाने इसके निकाल लिए हैं। कुकर में पानी डाल के बॉईल करना है। यहाँ पर हमने एक पैन चढ़ा लिया है और यहाँ पर एक चम्मच हमने घी डाला है, देसी घी। आपको देसी घी ही डालना है इसमें। और तेल गरम हो जाने के बाद, घी गरम हो जाने के बाद, अब हम इसमें जीरा डाल देंगे और यहाँ पर एक हम चिली डालेंगे। सूखी वाली जो चिली होती है, मिर्च होती है, वो हमने डाला है। और यहाँ पर हम कॉर्न डाल देंगे जो कि हमने बॉईल किया था। वैसे रेडीमेड कॉर्न भी आप डिब्बों में आते हैं, आप ले सकते हैं। उसको बिल्कुल हल्का सा हमें रोस्ट करना है। और एक चॉप्ड अनियन कर लिया था हमने चकोर चकोर छोटे टुकड़ों में, उसको भी हम एक साइड में करके डाल देंगे। इसको हमें रोस्ट हल्का सा करना है, कलर चेंज नहीं करना है, ताकि इसका कच्चापन थोड़ा प्याज का निकल जाए। यह हमारा एक मिनट हो चुका है। अब दोनों को मिला लेंगे एक तरीके से और फिर हम थोड़ी देर के लिए और रोस्ट करेंगे। बस ज़्यादा नहीं हमें करना है। ये देखिए हमारा कुक हो चुका है। और अब हमने यहाँ पर बॉइल्ड राइस लिया था। आपके पास बचा हुआ चावल हो तो आप इसको, पर आपको ध्यान रखना है कि आपका चावल खिला खिला होना चाहिए। इसकी रेसिपी हम डाल चुके हैं कि आपका अगर बासी चावल भी बचता है तो उसको, अगर आप जमा हुआ है, गीला है, तो उसको आप किस तरीके से बिल्कुल न्यू बना सकते हैं, तो आप प्लीज़ देख सकते हैं। इसको हमने माइक्रोवेव में रखा था, बिल्कुल खिला खिला चावल, अलग अलग हो गया। अब हम एक साइड में पैन में डाल देंगे और इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। ज़्यादा मसाले हम नहीं मिलाएंगे। यहाँ पर एक चम्मच गरम मसाला डाला है हमने और इसको बराबर चलाएंगे। बहुत ही हल्के हाथ से हमें इसे चलाना है। यहाँ पर आप अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और लाइक का बटन ज़रूर दबाइए और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करिए प्लीज़। यहाँ पर हमने आधा नींबू ले लिया है, इसका रस डाल देंगे, इससे थोड़ा सा टेस्ट और बढ़िया हो जाएगा। बहुत ही सिंपल राइस है, इसको आप लंच, डिनर, यहाँ तक कि आप ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं इस तरीके से। और अब हम थोड़े से मिंट लीव या फिर आपके पास करी पत्ता हो, जो मीठी नीम होती है, वो डाल दीजिए। हमने यहाँ पर मीठी नीम डाला है और यहाँ पर हमने गरी के लच्छे डाले हैं। गरी का जो गोला होता है सूखा वाला, उसको आप कद्दूकस कर लीजिए, ग्रेट कर लीजिए, या फिर आप मार्केट से भी ले सकते हैं। तो ये बिल्कुल जैसे चेन्नई स्टाइल होता है ना ये राइस, वहाँ पर ये बिल्कुल अलग राइस हमने किया। यहाँ पर हमने टमाटो चॉप कर लिया था, इसके सीड्स अलग कर दिए थे और पानी भी अलग करके इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में। ये थोड़ा गार्निशिंग के लिए बढ़िया लगता है, तो आप इस तरीके से प्लीज़ ज़रूर ऊपर से डालिए। और ये जो हमने चिली फ्राई किया था हल्का सा, वो ऊपर से डाल दिया हमने। तो आप थोड़ा सा कोई भी रेसिपी उसको इस तरीके से सजा के देंगे तो उसका लुक डबल हो जाता है और बच्चे भी बहुत खुश होते हैं। फैमिली वाले तो होते ही हैं, अच्छे खुश हो जाते हैं। और यहाँ पर हम इसी टमाटो को ऊपर से सजा देंगे और थोड़ी सी मीठी वाली नीम की पत्ती भी ऊपर से ही डाल देंगे। तो आप इसको ज़रूर बनाइएगा और कमेंट्स बॉक्स में अपने अनुभव में ज़रूर शेयर कीजिए। और पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो देखा फ्रेंड्स, इसी के ऊपर थोड़ा सा नारियल रोल डाल देंगे और ये मिंट से, अरे मीठी नीम की इससे सजा